नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में आज राष्ट्रीय लोकदल की छात्र इकाई द्वारा रोड जाम किया गया। छात्र काफ़ी आवेश में दिखाई दिए। उनका मुद्दा था यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की वापसी का। किस बात को लेकर आज यहाँ जाम किया गया? देखो, ये देश में भी प्रदेश में भी सभी को पता है, हमारे देश के 18,000 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। सरकार उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही, सिर्फ और सिर्फ बयानों में उन पर ध्यान दिया जा रहा। उनके माता पिता डेली हाईवे जाम कर रहे, डेली रोड जाम कर रहे, लेकिन कोई भी सरकार के द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे कि हमारे छात्र देश वापस आ सके। हाल ही में कल एक छात्र की वहाँ मौत होगी, उस पर प्रदेश में स्वाभाविक है कि बवाल उतरेगा, सारे काम होंगे, लेकिन सरकार अपने चुनाव में व्यस्त है। सरकार को चुनाव के अलावा और कुछ दिख नहीं रहा। तो आज आप मुजफ्फरनगर में अपना रास्ता जाम किया, तो यहाँ से क्या संदेश आप देना चाहते हैं सरकार को? देखिए, हमने परसों भी ज्ञापन के माध्यम से डीएम साहब को और माननीय प्रधानमंत्री जी को, यहाँ से डीएम के माध्यम से हमने ज्ञापन भिजवाया था, लेकिन कल फिर छात्र की मौत होगी। कितने ये फ्लाइट बढ़ा नहीं रहे वहाँ पर। हमने अपने ज्ञापन में मांग रखी थी जो वहाँ पर छात्र फंसे हुए हैं, एक तो उन्हें जल्द से जल्द युद्ध स्तर पर वापस लाया जाए। जो फ्लाइट है उनके किराए बढ़ा दिए गए थे, वे फिर से वहीं पर किराए जो है उनको हालांकि फ्री कर देना चाहिए जब हमारे छात्रों की जान का सवाल है, लेकिन सरकार ने किसी भी मुद्दे पर कोई भी अपना कोई भी बात रखता है तो उसकी आवाज़ को दबाने का काम यहाँ का पुलिस प्रशासन कर रहा। पुलिस प्रशासन यहाँ का सरकार की बी टीम बन के यहाँ का काम कर रहा। अगर छात्र हित में कोई आवाज़ उठाता है तो उस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज कर उसको जेल भेजने का काम यहाँ के प्रशासन करता है। आप राष्ट्रीय लोकदल की छात्र इकाई के जिलाध्यक्ष हैं सार्थक जी, तो पार्टी ने इस मुद्दे पे अपनी क्या पहल की है? पार्टी छात्रों के मुद्दों को किस तरीके से उठा रही है? देखिए, पार्टी में जो छात्र विंग है वो शुरू से ही लेकर अब तक छात्रों के कॉलेज का मुद्दा हो, सीट बढ़ाने के लेकर मुद्दा हो, या छात्रों पर अत्याचार का मुद्दा हो, वहाँ पे इलाहाबाद में जब छात्रों को कोर्ट वहाँ से हॉस्टल से निकाल निकाल कर छात्रों पर लाठियाँ बरसाई गई थी, पुलिस प्रशासन के द्वारा, सरकार की कूटनीतियों के द्वारा छात्रों का प्रदेश में पतन हो रहा है, राष्ट्र में पतन हो रहा है। छात्र हित में राष्ट्रीय लोकदल की छात्र सभा विंग हमेशा तत्पर रहती है। मेरा मुद्दा सिर्फ यूक्रेन के छात्रों से जुड़ा था, जिसपे आज लोगों ने आप यहाँ रास्ता जाम भी किया, प्रदर्शन भी किया, पुतले भी फूके। तो यूक्रेन में जो 20,000 छात्र फंसे हुए हैं, उनकी मदद के लिए राष्ट्रीय लोकदल किस तरीके से सामने आ रहा है? देखिए, धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम सिर्फ, क्योंकि विदेश मंत्रालय से यही मांग कर सकते हैं हम, क्योंकि सब कुछ कलम और उस पर पहरा है बंदूक का, कोई कुछ नहीं दिखाता। आप आए, आपका धन्यवाद। और रालो, छात्र सभा ने परसों भी ज्ञापन दिया था, आज फिर धरना प्रदर्शन किया। हम रोज़ धरना प्रदर्शन करेंगे, अपने छात्रों के लिए संघर्ष करते आए हैं, छात्रों हित में संघर्ष करते रहेंगे। ये थे राष्ट्रीय लोकदल छात्र सभा के जिलाध्यक्ष सार्थक लाठियान। यहाँ मौजूद और युवाओं से भी हम बात करेंगे। दोस्त, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरशद राजपूत, जिला महासचिव राष्ट्रीय लोकदल छात्र सभा। तो अरशद, क्या लग रहा है आपको कि सरकार क्या यूक्रेन में जो छात्र फंसे हुए हैं उनके मुद्दों पे कितनी गंभीर आपको दिखाई देती है? सरकार सिर्फ छात्रों का मुद्दा चुनावी मुद्दा बनाकर काम कर रही है। कल भी नरेंद्र मोदी कहीं रैली में थे, वहाँ भी छात्रों को हम ऑपरेशन गंगा चल रहा है। इन्होंने अभी अपने 4 मंत्री भेजे हैं, वे मंत्री इन्हों कह रहे हैं हमने छात्रों की मदद के लिए भेजे हैं, लेकिन केवल वे इन्होंने पिकनिक पे भेजे हैं मंत्री इनके। आप बताइए, अब वायुसेना हमारे देश में कब से है? शुरू से, जब इन्हें पता था वहाँ पर युद्ध छिड़ने वाला है 6 दिन पहले। अब बच्चों को निकाल के ला रहे हैं, वहाँ 18,000 छात्र हैं, उनमें से कुल 1920 छात्रों को वापस लाए हैं, और वायुसेना को हाथ से लगाया है इन्होंने काम पर। बताओ, वायुसेना पहले से नहीं थी हमारे देश में? तो आपका कहना है कि सरकार गंभीर नहीं है इन मुद्दों पर? सर की सरकार गंभीर होती तो आज छात्र अपने घर होते। सरकार गंभीर नहीं है, सरकार सिर्फ यूपी चुनाव में व्यस्त है, लेके मोदी से लेके नड्डा तक के सारे मंत्री, इनके मुख्यमंत्री, प्रदेश के महामंत्री सब चुनाव में व्यस्त हैं यूपी में। अब इन्होंने 4 मंत्री का ढोंग किया है भेजने का, वे सिर्फ पिकनिक पर भेजे हैं इन्होंने वहाँ पर, और कुछ नहीं। तो ये थे आज यहाँ यूक्रेन में फंसे छात्रों के समर्थन में विरोध कर रहे छात्र भी और राष्ट्रीय लोकदल के छात्र सभा इकाई के पदाधिकारी भी, जिनका कहना है कि सरकार इस मुद्दे पर जितनी गंभीर दिखनी चाहिए थी उतनी गंभीरता सरकार द्वारा दिखाई नहीं जा रही।